भास्कर मिश्रा रेत का कारोबार करते हैं, इसी पर मजदूरों से उनका विवाद होना बताया जा रहा है। पीड़ित मजदूर की माने तो पगार मांगने पर कांग्रेसी ठेकेदार गाली गलौज के साथ धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। फरियादियों ने कोतवाली बैठन एवं एजे के थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला रेत कारोबार में जुड़े कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा का सामने आया है। रेत मजदूरों ने मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी देने की शिकायत कोतवाली पुलिस एवं एजे के थाने में दर्ज कराई है। शिकायती पत्रों के मुताबिक फरियादियों ने अपने संयुक्त शिकायती पत्र के जरिए बताया कि कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा के आश्वासन पर 2 महीने रेत लोड करने का काम किया, लेकिन बार बार आश्वासन मिलता रहा एवं बीते दिनों पैसे देने के बजाय गाली गलौज एवं धमकी देने के साथ पैसा देने से साफ मना कर दिया गया। फरियादियों ने शहर कोतवाल एवं एजे के थाना प्रभारी से मजदूरी दिलाने के साथ उचित कानूनी कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। भास्कर मिश्रा बालू में काम करते हैं, हम लोग की जमीन कोड़ खंद के रेत उठा लिए, पैसा मांगते हैं, हम लोग को धमकी देते हैं, गाली गुफर देते हैं, पैसा देने के लिए मना करते हैं। इसके बाद ज़्यादा बोलते हैं तुमको थाना में बंद करा देंगे। क्या गालियाँ देते हैं? बहन, माँ, बहन, बेटी, घर में। आपका क्या गरीबी? हमारा नाम है अर्जुन कुमार पनिका, ग्राम कादोपानी, पोस्ट टिपरापुर। टिपरापुर आप थाने में आए हुए हैं, क्या सुनवाई कहीं हुई? आपने शिकायत किया? नहीं हुआ सुनवाई हमारा कहीं। क्या चाहते हैं आप? हमारा चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमारी देते हैं, बाकी बात खत्म। क्या क्या बोलते हैं आपको? हमारे जाति को गाली देते हैं, हमारा पनिका जात है, बोलते हैं आदिवासी है, नहीं देंगे पैसा। चलिए ठीक। और क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारे खेत कोड़ के गेहूं भून दिए। कितना फसल नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा फसल नदी में गेहूं, अभी तक लंबाई नहीं पता नहीं। लमसम कितना हुआ? लमसम 8 बाथी के है। अवैध उत्खनन भी होता है? मशीन लगा कुछ मशीन से काम चल रहा है ना? पूरा मशीन से काम चल रहा है। चलिए, किसके द्वारा काम कराया जा रहा है? मिश्रा भास्कर, भास्कर मिश्रा जी। हाँ, भास्कर। ठीक। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।